हाय स्टूडेंट्स प्रत्येक साल के जैसा इस साल भी बीनस में सौ में सौ मैच किया जितना भी अपलोडेड वीडियो था जितना भी गेस किया हुआ था एग्जेक्ट सौ में सौ वही आया है दूसरा जो क्लास में जो कॉपी में लिखवाया गया था सेम वही क्वेश्चन आया जैसे प्रत्येक साल होता था सेम इस साल भी हुआ और आप लोग सारे स्टूडेंट पहले वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी और आप लोग एंसर मिला लीजिए किस स्टूडेंट को कितना सही है आप लोग जल्दी से आंसर मिला लीजिए और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कल से अकाउंट का वीडियो जाएगा गेस्ट वीडियो जाएगा इंपॉर्टेंट वीडियो जाएगा और जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो अकाउंट के चैप्टर वाइज भी वीडियो जा चुका है प्ले लिस्ट में आप जा देख देख सकते हैं गेस वीडियो भी गया है अकाउंट का उसको भी आप लोग जा देख लो पहले आप लोग फटाफट आंसर मिला लो ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे आप इनकरेज हो जाओगे चलिए सारे स्टूडेंट अपना आंसर मिला लीजिए ये सेक्शन एच है जिनका सेट एच होगा और जिनका ए ए भी सेट सेट होगा वो अपना क्वेश्चन इसे मैच कर सकते हैं क्योंकि सबका तो क्वेश्चन सेम होता है बस केवल आगे पीछे होता है चलिए देखिएगा क्वेश्चन वन से हंड्रेड आपका था लेकिन आपको बनाना कितना था केवल फिफ्टी आते हैं सीधे क्वेश्चन पर आप लोग फटाफट क्वेश्चन मिलाते चलिए और जो आप वीडियो को वीडियो पर जो नए स्टूडेंट हैं वो जल्दी से वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट अपना क्वेश्चन को मिला सके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्यूमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ए एन बी बोथ बेटा सही आंसर क्या होगा ए एन बी बोथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिए फटाफट ताकि आपका मोटिवेशन बना जाए चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर सिंप्लिसिटी लिक्विडिटी इकोनॉमिकलिटी ऑल ऑफ़ इसका सही बेटा क्या होगा? सारे मिलाते चलिए देखिए एक्सचेंज इन वर्ल्ड वाज इस्टिश इन पर स्टैब्लिश हुआ था दिल्ली लंदन जापान अमेरिका कहां पर स्टैब्लिश हुआ था अमेरिका में देखिए सारा वीडियो हम भेजे हुए आप लोग को जाके में देखो चैप्टर वीडियो भेजे वीडियो भेजे हैं, बोले थे कि सेम क्वेश्चन ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन दिल्ली कोलकाता चेन्नई ऑल ऑफ दीज देखिए सब वीडियो हम भेजे हुए चैप्टर वाइज आपको वीडियो यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप जाकर देखो सारा चीज आपको मिलेगा अगला क्वेश्चन देखे इक्विटी से गेट द राइट इन कंपनी फॉर राइट इक्विटी से वेन डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इन टू फोर इफेक्ट टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन ट्वेंटी नॉन ऑफ दीज बेटा इसका आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दीज सारे स्टूडेंट मिलाते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स डू नॉट मेक बाइंग बी एंड हरीलीडिंग एडवर्टीजमेंट टुवर्ड्स राइट बेटा सही आंसर क्या होगा डी होगा ये सारा देखिए हम वीडियो एक के कह के आप लोग को यूट्यूब पर भेजे हुए बोले थे कि एकदम से पढ़ लो हंड्रेड में हंड्रेड यही आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इंटरप्रेन्यूअर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट इंप्लॉयमेंट बेटा सही आंसर क्या है इंप्लायमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कंज्यूमर सारा वीडियो आपको भेजे हैं बोले कि हंड्रेड परसेंट आएगा इसका सही आंसर क्या है पंद्रह मार्च चलिए मिलाते चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका बेटा सही आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज ये सारा क्वेश्चन हम यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं आप लोग जाके देखो प्ले लिस्ट में एक एक करके दिखेगा गेस ऑब्जेक्टिव में भी दिखेगा प्रत्येक साल जैसा हंड्रेड में हंड्रेड मैच करता था इस साल भी हंड्रेड में हंड्रेड मैच किया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अकाउंट में भी हंड्रेड में हंड्रेड मैच करे और जो अकाउंट अभी जिनका अकाउंट में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं है तो सारा अकाउंट का वीडियो चैप्टर वाइज भी YouTube पर अपलोड किया हुआ है गेस ऑब्जेक्टिव भी YouTube पर अपलोड है जाके आप लोग वीडियो देखिए अकाउंट में हंड्रेड में हंड्रेड जो पचास यदि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो पचास नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं रोकेगा YouTube पर जाके सारा वीडियो आप लोग अकाउंट के भी देख लो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हेनरी फ्योल वाज वन इन हेनरी कहाँ पर वन हुआ था फ्रांस में नेक्स्ट क्वेश्चन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ ये दो दिन पहले वीडियो भेजे हैं देखिए यही क्वेश्चन आया इन साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर डिक्रीज साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्किंग आवर कम होता है बेटा नेक्स्ट चलिए तेरह नंबर क्वेश्चन फटाफट मिलाते रहो ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर्टरी टाइप्स ऑफ प्लानिंग आई टाइप्स ऑफ प्लानिंग एट सिक्स टू फोर चलिए क्या ऑप्शन इसका होगा फोर मिलाते चलिए फटाफट डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल इंटरपर्सनल पॉजिटिव बेटा सही आंसर क्या होगा इसका इंटरप्रशनलिटिकल मिलाते चलिए फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है देखिए इन होरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज देखिए क्या होता है एट पायलर इसका बेटा आंसर क्या है पहला डायरेक्शन इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंटिन्यूस एक्टिविटी ऑल ऑफ दीज बेटा सही आंसर इसका क्या होगा ऑल ऑफ दीज मिलाते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सत्य नंबर मोटिवेटेड इंप्लॉय आर रिवार्डेड मोटिवेटेड इंप्लॉय आर रिवार्डेड नेगेटिव पॉजिटिव मोटिवेटेड इंप्लॉय को हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन आता है उसके अंदर देखेगा कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग हमेशा लास्ट फंक्शन बेटा होता है कंट्रोलिंग कौन सा फंक्शन होता है लास्ट फंक्शन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोलिंग इज मैनेजेरियल फंक्शन कंपलसरी नॉन ऑफ दिज ऑप्शनल कंट्रोलिंग कंपलसरी बेटा होता है कंट्रोलिंग इज नेसेसरी नेर स्मॉल इंटरप्राइज फॉर मीडियम इंटरप्राइज फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइज ऑल ऑफ दीज इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज मिलाते चलिए फटाफट अब देखिए द लीडर टेक वर्क फ्रॉम हिज सब ऑर्डिनेट बाई टैक्ट बाई नॉन ऑफ दी बाई थ्रेटनिंग क्या होगा टैक्ट के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड ऑफ डेवलपमेंट आर जॉब रोटेशन मेथड शॉर्ट टर्म सिलेबस डेवलपमेंट ऑन द जॉब बेटा सही इसका आंसर क्या है डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी थ्री देखे ट्वेंटी थ्री क्या है ट्रेनिंग गिव इम्फाइसिस ऑन थियोरिटिकल नॉलेज ऑल अराउंड नॉलेज जनरल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेटा हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज देता है रिक्रूटमेंट इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वंस ट्वाइस कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट बेटा पूरा कंटिन्यू चलता है ये ये सारा सारा किया हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन है। देखिए में एक-एक करके भेजे हुए हैं। प्रोमोशन इंप्लायमेंट एक्सचेंज अगला पॉइंट देखिएगा देखिएगा, मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन देखिएगा ट्वेंटी सेवन देखे ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट पेज में है ये आपका क्वेश्चन है हाउ डज मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव थ्रू इफिशियंसी थ्रू इफेक्टिव थ्रू इफिशियं एंड इफेक्टिव देखिए तो आप लोग बुक में ही पढ़े होंगे ये चैप्टर नंबर वन में ही आपको पढ़ाया गया होगा कब पढ़ाया गया होगा चैप्टर नंबर वन में अगला पॉइंट देखिएगा कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिड बिटवीन ग्रुप बिटवीन डिपार्टमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ऑल ऑफ दीज बेटा सही आंसर इसका क्या है ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट आधे है लेवल ऑफ मैनेजमेंट है तो सब बचपन से ही डाटा है एकदम से लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितना होता है तीन होता है कितना वह बताया गया होगा गेस का वाए है चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव भेजें कॉपी में लिखवाया गया टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आए कौन है टेलर जी हैं चलिए नेक्स्ट चलिए आगे तीस तक ले आप लोग मिला लिए आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट अपना यहाँ मिला सके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए देखे नेक्स्ट द एक्सपेरिमेंट डन बाई टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट हो आपका देखिए इसका सही बेटा आंसर क्या होगा सी होगा मोशन स्टडी फेडगो स्टडी टाइम स्टडी अगला क्वेश्चन साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स आर बेनिफिटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा वर्क बेनिफिटेड होता है बेटा चलिए थर्टी देखिए हेनरी फ्योल वाज देखिए साइंटिफिक साइंटिस्ट माइनिंग इंजीनियर हेनेदी फियन कौन थे माइनिंग इंजीनियर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक फ्लेक्सिबल यूनिवर्सल ऑल ऑफ दीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा क्या है ऑल ऑफ दीज है मिलाते चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट एनालिसिस कितना होता है बेटा 25 लेवलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन सक्सेस पॉलिसी भारत में सक्सेस है यह सारा वीडियो यूट्यूब पर जाके मिल जाएगा देखोगे तो सारा वीडियो भेजे हुए हैं चलिए देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस कैरेक्टरिस्टिकमेंट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अगला पॉइंट देखिए गुड प्लान इज एक्सपेंसिव टाइमिंग फ्लेक्सिबल गुड प्लान इसका सही बेटा आंसर क्या है फ्लेक्सिबल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये बजट इज पीरियड लॉन्ग मैनेजमेंट इज परफॉर्म ये थिंकिंग बिफोर डूइंग किस में बैठा होता है प्लानिंग में ऐसा मिलाते चलिए ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे पता चले कि आप कितना सही किए हो तब तो अकाउंट पर इसका सारा प्रभाव मिलेगा

ऑन लिस्टिक हाई ग्रोथ कंपनी लाइक टू पे लो डिविडेंड जो कंपनी हाई ग्रोथ करती है ना वो वो कोशिश करती है कि हम कम डिविडेंड दें क्योंकि कम डिविडेंड देगी ना तो उसके पास मनी का सेव होता है बताए थे देखिए सारे वीडियो बताए हुए हैं वीडियो में जो कंपनी चाहती है कि हम ग्रोथ करना चाहते हैं जो डेवलपिंग कंपनी होती है वो थोड़ा कम डिविडेंड देती है क्यों वो सोचती है कि हम कैपिटल को सेव करके रखें फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए तो बेटा सही है सही इसका क्या होगा ये होगा आगे देखे ट्वेंटी फोर मेन फंक्शन ऑफ फिनेशियल मैनेजमेंट आज फिनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है आपका देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फिनेशियल मैनेजमेंट कब डिस्कार्डेडेड हुआ था 1930 से 1940 नेक्स्ट देखेगा सेंसेस इन डिपेंडेट ऑन हाउ मेनी कंपनी सेंसेस बेटा कितने कंपनी पर डिपेंड होता है तीस कंपनी पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिनेंशियल डिसीजन रिलेटेड टू बिना एस बेटा किससे रिलेटेड है कैपिटल स्ट्रक्चर नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2014 देखिए 2004 के बारे में बोला है वहां पे 2004 में कितना स्टॉक एक्सचेंज है 23 देखो यहां पर 2004 बोला है तो कितना स्टॉक एक्सचेंज है 23 आगे देखिएगा द क्रिएटिव लिक्विडिटी क्रिएट्स लिक्विडिटी क्रिएटिव लिक्विडिटी कौन कहता है बेटा सेकेंडरी मार्केट देखिए न्यू इशू से हमेशा किस में होता है प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू बेटा किस में होता है प्राइमरी मार्केट में सारा देखिए वीडियो में बताए हुए हैं देखिये नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवेन बाई टेलर इसमें से टेलर कौन नहीं दिया था देखिए फंक्शनल फॉर ए टेलर कभी नहीं दिया था चलिए फिफ्टी टू इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर पहले ट्रेडिशनल में लो था साइंटिफिक में ज्यादा है प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन ज्यादा होता है बेटा चलिए मिलाते चलिए फटाफट आगे देखेगा। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज देखिए ये वीडियो आपका कल गया था इस ए, इस क्वेश्चन का वीडियो हम कब भेजे थे आप लोग का देखिए ये 2 तारीख को भेजे हुए वीडियो ये वीडियो दो फरवरी को गया कल वीडियो गया था उसी में क्वेश्चन था द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था एक कल वीडियो भेजे हैं देखिए आज बोले थे कि पढ़ के एक बार देख लो सभी को हम इंडिकेट किए थे कि जो कल वीडियो गया था उसमें से बोले थे ना कि दस से पन्द्रह लड़ेगा देखिए लड़ दे गया वीडियो बताने से पहले बोले थे कि एक बार वीडियो देखो दस से पंद्रह लड़ेगा इजेक्ट दस से पन्द्रह क्वेश्चन लड़ गया ये देखिए कल बताए थे वीडियो में कि क्वेश्चन आएगा देखिए इन विच डिड द टेलर बिकम द इंजीनियर फॉर्म बॉय का किसी बना था एटीन सेवेंटी एट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस बाई इसका बेटा सही आंसर क्या होगा डी होगा अगला क्वेश्चन बजट रिफर्स टू स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सप्रेस इन फॉर्म बेटा सही आंसर क्या होगा डी होगा देखिएगा प्लानिंग इज द Of all managerial activity. Planning, बेटा हमेशा होता है फर्स्ट एक्टिविटी प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है ये सही होगा। चलिए। सिक्सटी नंबर क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डेलीगेशन टू सब ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट को बेटा क्या दिया जाता है वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी दोनों दिया जाता है तो आपका सही आंसर क्या होगा वर्क रिलेटेड ऑथोरिटी डी सही आंसर है स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स चलिए सारा देखिए वीडियो हम सेंड किए हैं चलिए बासठ पर चलिए देखिएगा कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोलिंग फंक्शन बेटा क्या होता है देखिए ये भी आपको सारा क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देखोगे तो सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको देखिए फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग

नेक्स्ट देखेगा फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ने क्लैरिटी कट सी कंटिन्यूटी ऑल ऑफ दीज कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए सिंपल मिलाते चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज फिनेंशियल इंसेंटिव प्रमोशन स्टॉक इंसेंटिव मिलाते चलिए नेक्स्ट देखिएगा एक्टिविटी इज कॉस्टली बेटा कंट्रोलिंग एक्टिविटी क्या होता है मिलाते चलिए देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिटर्मिनाट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इसको कौन डिटर्मिनाट है कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेट पेमेंट ऑल ऑफ़ दीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट द इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म से डिविडेंट डिविडेंट आपका सही आंसर होगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म फिनांस का पार्ट नहीं है मिलाते चलिए फटाफट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू इफेक्टिव इट इज इन्शियल डायट रेस्पॉन्सिबिलिटी विद नेसेसरी इसका होगा ऑथोरिटी देखो डिपेंड ऑन विलिंगनेस ऑफ इंप्लाई क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। मिलाते चलिए फटाफट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बेटा कितना होता है चार मिलाते चलिए इंप्लाइड ट्रेनिंग इज इंप्लॉयड ट्रेनिंग बेटा कंपल्सरी होता है आप लोग के बुक में कभी कभी नेसेसरी दिया जाता है तो गलत होगा बिना ट्रेनिंग का इंप्लॉय काम कर ही नहीं सकता है तो आप लोग का बिहार बोर्ड जो एंसर देता है सही कहता है कंपल्सरी बिहार बोर्ड सही कहता है कोई कोई -को, बुक में नेसेसरी होगा तो नहीं बिहार बोर्ड हमेशा कंपल्सरी सही सही कहता है ये आप लोग देख के चलना आगे देखिएगा मेथड ऑफ ट्रेनिंग रोटेशन ऑन द जॉब एप्लेंटिक्स ट्रेनिंग ऑल ऑफ दीज मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज वेस्टेज ऑफ मनी ये देखिए इन्वेस्टमेंट ये भी आप लोग को कल वीडियो कल हम दो तारीख के भेजे कल वीडियो सब भेजा हुआ है. कल अपलोड किया हुआ है देखेगा, ये स्टाफिंग If यू want टू कीप ए प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज ऑफ कम्युनिकेशन यदि आप प्रूफ रखना चाहते हैं तो क्या होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन अगला क्वेश्चन चलिए स्वेंटी नाइन देखिए स्वेंटी नाइन Which ऑफ द following इज नॉट एलिमेंट ऑफ communication प्रोसेस Communication प्रोसेस का बेटा कौन एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन ये सारा देखिए हम अपलोड किया हुआ है वीडियो सारे क्वेश्चन का मोटिवेशन मीडिया शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर बेटा डिटरमाइन होता है ग्रुप के आधार पर चलिए जल्दी जल्दी मिलाते चलिए फटाफट आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट मैच कर सके चलिए क्रिटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग आर फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिकेबिलिटी फ्यूचरिटी ऑल ऑफ दीज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ ऑफिसर का होता है बेटा चलिए एट्टी थ्री अथॉरिटी ऑथोरिटी नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ देखिए ये भी वीडियो कल गया था ये भी वीडियो कल कब गया था बेटा कल लेकिन थोड़ा डिफरेंट था बिहार बोर्ड इसमें थोड़ा बदलाव ला दिया है बिहार बोर्ड थोड़ा इसमें चेंजिंग किया देखेगा ऑथोरिटी नॉट बी डेलीगेटेड देखिए रूटीन नेसेसरी वर्क कल वाले वीडियो में हम यहाँ पर सीक्रेसी बताया था सीक्रेट वर्क आप लोग का बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर नेसेसरी वर्क नहीं दिया है सीक्रेट वर्क दिया हुआ है ठीक ना तो देखिए अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड आपका आंसर क्या होगा नेसेसरी वर्क इसको कभी भी डेलीगेट नहीं होता है सेंट्रलाइजेशन ए टू देखिए आपका सही आंसर क्या होगा रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी चलिए एटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट रिक्रूटिंग सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑल ऑफ दीज स्टाफिंग इज स्टाफिंग क्या होता है पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑल ऑफ दीज देखिए सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट मेथड ऑफ ट्रेनिंग बेटा कौन नहीं है देखिए जॉब रोटेशन ट्रेनिंग ये तो है हाँ ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये भी है अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग ये भी है नॉन ऑफ दीज स्टाफिंग इज रिलेटेड विद पर्सन बेटा स्टाफिंग हमेशा पर्सन को ही करेंगे ना कि कोई जानवर के करेंगे चलिए ये तो सबका सही होगा आगे देखे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए इसमें से कौन सा नहीं सही बेटा ये ये लिखा है कि इंक्रीज एक्सीडेंट बताओ पागलो स्टूडेंट इसको सही किया होगा ए, बोला क्या है कि विच ऑफ द फोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन ट्रेनिंग ट्रेनिंग से तो ये एक्सीडेंट कहीं बढ़ता है चलो सुपरविजन इज सुपरविजन आपका क्या है देख लीजिएगा नेसेसरी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम नॉन ऑफ दिस तो सुपरविजन आपका हमेशा क्या होता है आपका नेसेसरी आपका होता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखे मैनेजर इज मैनेजर आपका क्या होता है लीडर बेटा होता है अगला वर्ड बैरिया इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज डिस्टेंस इंडिविजुअल डिफरेंस ऑल ऑफ़ चलिए 92 हो गया मिलाते चलिए फटाफट और देखे 93 थ्री विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन मोटिवेशन कम्युनिकेशन डेलीगेशन सुपरविजन बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन का कौन एलिमेंट नहीं है बताए थे ना देखिए आप लोगों को वीडियो में जाकर बोले थे कि जहां पर नोट रहे वहां पर एकदम से संभाल के रहो नोटे वाला गलती करवा देता है चलिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस हाँ देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशन फोर्मल ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर बेटा क्या होगा डी होगा नेक्स्ट नाइनटी कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरिटिकल प्रैक्टिकल कंट्रोलिंग हमेशा प्रैक्टिकल होता है बेटा द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फिनास डिवेंचर इक्विटी शेयर कैपिटल आगे वी कैपिटल सबसे सिंपल कौन होता है रिटर्निंग रिटर्न आर्निंग अभी बताया था इसलिए सिंपल होता है ताकि उसमें एक चीज आपको बता दें रिटर्न अर्निंग सबसे चीपेस्ट फिनांस इसलिए होता है क्योंकि इस पर इंटरेस्ट डिविडेंड पेमेंट करने की आवश्यकता हो नहीं होता है ये खुद का इन्वेस्टमेंट होता है ये क्या होता है खुद का इन्वेस्टमेंट होता है इसीलिए सबसे सिंपलेस्ट होता है सबसे चीपेस्ट होता है इस पर इंटरेस्ट डिविडेंड देने की आवश्यकता हो नहीं होता है चलिए नाइन्टी सेवन देखिये नाइन्टी सेवन क्या है फोर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए पेमेंट ऑफ डिविडेंट वॉलंट्री है मन किया है तो दो नहीं मन किया मत दो कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स बेटा कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होता है रिजल्ट्स से लास्ट क्वेश्चन चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन है नाइनटी देखिए फ्लोइंग फ्लो स्टेटमेंट कैश स्टेटमेंट कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हंड्रेड सारा स्टूडेंट आप लोग मिला लीजिए देखिए रिलेटेड टू रिजल्ट्स आप लोग बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन हो गया होगा इस क्वेश्चन को देखकर ध्यान से पहले देखो कंट्रोल इज रिलेटेड टू देखो क्या लिखा है ये क्वेश्चन आपका 98 है ये क्या लिखा है कंट्रोल इज रिलेटेड टू द रिजल्ट होगा लेकिन ये देखो क्या लिखा है ये इस क्वेश्चन को आप देखें कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग किससे रिजल्ट जो रटने का आदत है वो गलती करा देगा कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा मैनेजर से रिलेटेड है देखिए तो पूरा शौ तक हम बता दिए जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कल से चार तारीख से आपका अकाउंट का सारा वीडियो जाएगा अकाउंट का सारा वीडियो आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा गेस ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा गेस सब्जेक्टिव भी हम भेजे हुए हैं और कल से बहुत सारे अकाउंट का और ऑब्जेक्टिव जाएगा गेस ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी भेजेंगे जैसे दो नंबर वाला प्रैक्टिकल पाँच नंबर वाला प्रैक्टिकल कल से वीडियो जाएगा तो सारे स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए